हाँ जी, इंडस्ट्री एसोसीएशन के मैंबरस है मोहाली इंडस्ट्री एसोसीएशन के, और अभी कई दफ़ा इतने आए हैं, रिक्वेस्ट भी की गई है, कई बार रिटर्न भी इन्होंने दिता गया है। साढ़े जोड़े चेयरमैन है होस्पिटल का जरा देखते हैं मोहाली इंडस्ट्री एसोसीएशन की तरफ तो, और इस होस्पिटल की इन्नी बुरी हालत है कि असी बाहर भी खड़े हुए थोड़ी देर पहले, तो उत्थे भी सानू लोग पूछ रहे थे भी असी उत्थे ना तो एक्सरा होंगे जिस मेरी बांह टुटी हुई है तो मैनू पर्ची बना देंगे ने बाहरों जाके करा लो, तो इतने कोई भी जिन्हें भी हालात ने ऑपरेशन थिएटर जो ऑपरेशन थिएटर की कोई मतलब अंदर ना कोई है ना कोई इतने देखने वाला है ना कोई पीएन है ना कोई सानू हूँ तक ना तो कोई डॉक्टर ही दिखा। मैं प्रीत इनोवेशन तो असी इंडस्ट्री तो आए हुए हैं जी, सारे जने इंडस्ट्री वालों इस एस ए अस्पताल में तकरीबन अप्रोक्सीमेटली 10 करोड़ रुपया पर मंथ असी वर्कर्स तो इकट्ठा करके साड़ी जिम्मेवारी के थ्रू इंडस्ट्रिस्टा की जिम्मेवारी इकट्ठा करके इतने जमा कराया जाता, पर जदों कोई इलाज कराने आता तो उन्होंने इतने लारियां तो सिवाय कुछ नहीं मिलता, इतने कोई इलाज नहीं होता है। एक दिन भी जो ईएसआई की कॉन्ट्रीब्यूशन लेट हो जाए तो सानू पेनल्टी पैंदी है जी, इतने तक डायरेक्शन है कि जो फैक्ट्री का मालिक है वो डायरेक्टली लाइबल है ईएसआई कॉन्ट्रीब्यूशन टाइम से जमा कराने वास्ते। बिल्कुल, इतने ऐसे लोग अगर जी होर भी अधिकारी जो तैनात होंगे उन्होंने कोई गलबात हुई हो इस तो पहले? असी ना जी एक बार नहीं, असी बहुत बारी इन्हों गल कर चुके हैं, सानू कभी भी कोई कंक्रीट रिजल्ट नज़र नहीं आता। इस तो पहला मोहाली इंडस्ट्री एसोसीएशन दियाँ वक् वक् समय के उत्ते वक् वक् डेलीगेशन ने आके ईएसआई हस्पताल के सारे अधिकारियों गल की है, ईवन असी रीजनल डायरैक्टर तक पहुँच की है, लेकिन सानू किसी गल का समाधान नहीं मिलता हर बार। जब आप सारा कुछ मीडिया ने दिखाया सर की इतने डॉक्टर डॉक्टर यूज़ टू ने जी, उन्होंने पता है कि यह तीए चौथे दिन आते हैं रौला पा के चल जाते हैं, 4.5 साल तो साडा कोई तुसी कर नहीं पाए हूँ की कर लोगे, सो डॉक्टर यूज़ टू हो गए ने, पर असी यह जी साडी लड़ाई हैगी है अपने इंप्लॉइज़ की वो असी सिरे तक पहुँचा के सह लवेंगे। हाई कोर्ट च मानयोग हाई कोर्ट ऑलरेडी PAL पई हुई है, उस तो अलावा जे सानू धरना देने की लोड़ पई असी वह भी करांगे। जिदा मेरे रेड मारी है इंडस्ट्रीज ने, उन्होंने कई खामियां दसियां कि हॉस्पिटल च आ चीज़ नहीं है, ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं मिल रहा, 10 करोड़ रुपया हर महीने मतलब उन्होंने वालों दिता जा रहा है, इस चीज़ को लेकर तुम किस तरह देखते हो तो की कहना चाहोगे? देखो ये तक फाइनैंस का सवाल है वो तो मेरा डिपार्टमेंट नहीं है, मैं तो एज अ डॉक्टर इन्ना ही कह सकती हाँ कि जेडे साडे कोल डॉक्टर्स ने वो सारे स्पैशलिस्ट ने, तो आई थिंक वो आपकी केपेबिलिटी के हिसाब से बेस्ट वर्क कर रहे हैं। कोई भी पेशेंट एटलीस्ट मेरे सामने आज तक तो कोई इस तरह नहीं गया कि मेरा ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं होया, एवरीबडी सैटिस्फाइड, दवाइया इतने एक्सेस पईया ने, हर दवाई अवेलेबल है स्किन तो लैके एवरीथिंग, एक्सरेज इतने हो रहे हैं, कल एक अल्ट्रासाउंड की प्रॉब्लम थोड़ी है वो भी साड़ी मशीन थोड़े दिनों तक आ जाएगी, रेडियोलॉजिस्ट साड़े को रहेगा अल्ट्रासाउंड स्टार्ट हो जाएंगे, तो या तो तुम कोई पेशेंट को पूछो प्रॉब्लम की है, सानू तो कुछ नहीं लग रहा कोई मिसकनसैप्शन जी। इन्हें एक ऑपरेशन थिएटर से जी बड़िया मशीन दिखाई, लाइटा पड़ी बहुत पुरानी लाइट पड़ी है, जगह जगह से कट लगे वो मेरे ख्याल जल्दियाँ भी नहीं होनगियां, जो तुम्हारी नॉलेज में शायद तुम दस सकते हो जल्दियाँ नहीं जल्दियाँ। साडा ऑपरेशन थिएटर टॉप क्वालिटी का है, उत्थे स्टरलाइजेशन कंप्लीट है, कोई कमी नहीं है, मैं खुद उत्थे मैक्सिमम सर्जरीज कर दी हाँ, ठीक है। जितने तक लेबर रूम का सवाल है उत्थे इन्नी लाइट की लोड़ नहीं होंगी, लैंप है वो जल्द है, तो लैंप से असं डिलीवरी प्रॉपरली कर लेने, सानू कोई प्रॉब्लम नहीं।